कल्पना युक्ति ये तो अलग बात है, इमेजिनेशन एंड आइडिया आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोंट इमेजिन पुट इनटू एन आइडिया, आइडिया कृति में आती है, आइडिया सत्य में आती है, कल्पना नहीं, कल्पना कभी सत्य में नहीं आती, क्योंकि कल्पना यानी सत्य का अभाव, जिस चीज का मेरे पास अभाव है उसी के बारे में कल्पना की जाती है ना, जो चीज मेरे पास है उसकी आप कल्पना करते हैं नहीं, जो चीज आपके पास नहीं है जिस चीज का आपके पास अभाव है उसी की कल्पना करते हैं, लेकिन युक्ति एंड आइडिया इज अ डिफरेंट थिंग, कि बस मुझे अगले एक महीने में ऐसे ऐसे स्टडी करना है, ये मेरा टाइम टेबल मैं बनाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, दोपहर को मैं थोड़ी नींद आती है तो खाना थोड़ा कम खाऊंगा, ये सारे जो प्लानिंग है ये आइडियाज में आते हैं, लेकिन अगर मैं सोचता बैठूंगा कि मैं बस ऐसा स्टडी करूंगा, ऐसा पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, थोड़ी करूंगा, लेकिन बस गणपति को 21 दुर्वा अर्पण करूंगा और मैं पहला आ जाऊंगा, ये क्या हो गया, फैंटेसी हो गई, ये कल्पना हो गई, इससे अभाव उत्पन्न होता है जिंदगी में, कल्पना आपको सत्य से दूर ले जाती है, तो आइडिया आपको हमेशा सत्य के साथ रखती है, इसलिए पूरे दिन हम लोग देखते हैं जो जिसे हम कहते हैं दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं हम लोग, ये डे ड्रीमिंग को पहले बंद कर दो, ये आसान बात नहीं है मैं जानता हूं, 100% या 108% डे ड्रीमिंग को बंद करें तो संतों की बात है, कि हम तो 108% डे ड्रीमिंग करते हैं, कम से कम 10-12% कम करें ना तो भी बहुत फायदा होगा, ये डे ड्रीमिंग करना बंद कर दो, अच्छे एम्स रखना कोई बुरी बात नहीं, पहला नंबर पाना है, मुझे अच्छा घर लेना है, ऐसे विचार करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में कल्पना करते रहना, आए भाई मेरी सैलरी है महीने में 2000 रुपये, तो मैं एम जरूर रखूंगा कि मैं महीने में 1,00,000 रुपये कमाऊंगा, कोई बुरी बात नहीं, कि मैं अभी इमेजिन करते रहूँ कि मुझे ऐसे ऐसे नौकरी मिली है, अपने आप 1,00,000 रुपये मिल रहे हैं और मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, ऐसा वो कर रहा है, ये हो रहा है, ऐसी गाड़ी ली है, इन विचारों में जब मैं खो जाता हूँ यानी मैं जंगल में खो जाता हूँ, कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन के सेल्स जो है, टिश्यूज जो है, ये थक जाते हैं व्यर्थ विचारों के कारण, असत्य आलापों के कारण, तो कल्पना और युक्ति यानी इमेजिनेशन और आइडिया में जो फर्क है उसे समझने की कोशिश करो, और फिर भी राधा जी जो इस विश्व की माता है रहती है जंगल में ही, जंगल में ही रहती है, किस कारण, अपने बच्चों के कारण, जानती है कि मेरे बच्चे उपवन बगीचा नहीं बनाते, नंदनवन नहीं बनाते, जंगल बनाते रहते अपनी जिंदगी में, तो एक माँ है, कहाँ होगी वो, जहां उसके बच्चे होंगे, पथ बिसरे को राह दिखाना, सही की आरती हम लोग करते, तो ये जंगल में ही पथ बिसरना, पथ भूल जाना, ये बात बहुत कॉमन होती है, इसलिए राधा जी हमेशा जंगल में निवास करती है, हमारे मन के इस कल्पनाओं के जंगल में, विचारों के जंगल में, कहेंगे बापू हमारे विचारों के जंगल में अगर हमें घुसना है, रास्ता ढूंढना है और राधा जी को मिलना है, तो कुछ माइलस्टोन्स बताइए कि चंदन के पेड़ के यहाँ से दाहिने जाओ, यहाँ से बाएं जाओ, यहाँ से सीधा जाओ, ऐसा कुछ बताओ तो सही, इस जो स्टोरीज में रहते हैं ना, 7 समुंदर पार, एक राजकुमारी सोई हुई है, तो राजकुमार प्रिंस तलवार लेके जाता है, तो कहता है रास्ते में एक चूहा मिलेगा, एक कोई पैरट मिलेगा, एक कोई घोड़ा मिलेगा, ऐसी कुछ स्टोरीज हम लोग सुनते हैं, तो ऐसे कुछ बताओ तो हमें कुछ क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना, इनमें से कुछ नहीं करना, जो नहीं करना है ये इम्पॉर्टेंट है, क्या करना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं करना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।